अच्छा लगा मिलके। हम भी बहुत अभी बहुत अच्छा है। रेमा के लिए बस मिल गया, मेरा सीट नंबर 90 है, बस नंबर 1262 है और ये रहा मेरा बस। तो भाई मैं फाइनली पहुंच चुका हूं नागालैंड के राजधानी कोहिमा में। अभी बज गए हैं दोपहर के 12 और मैंने अभी जस्ट अपने होटल से चेकआउट किया है। पिछले 4 दिन से मैं हूँ देवापुर में और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ कोहिमा के लिए। कोहिमा कुछ यहाँ से मान लो मैक्सिमम 70 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से। जो मैं यहाँ के लोकल बस, जो गवर्नमेंट की बस होती है, उससे मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ कोहिमा का। जो मैक्सिमम मुझे बस से, मतलब बाय कार दिखा रहा है 2 घंटा और बस से मैक्सिमम मुझे लगेंगे 3 से 4 घंटा। और देखता हूँ भाई, पहली बार मैं दीमापुर से कोहिमा ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी यहाँ की गवर्नमेंट की बस की, और क्या रेट है क्या प्राइस है वो मुझे बस स्टॉप पे जाने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ से जहाँ पे मैं रह रहा था होटल, वहाँ से बस स्टॉप मैक्सिमम मतलब 500 मीटर की दूरी पे है। तो मैं जाके देख रहा हूँ कि बस का यहाँ का रूट का क्या रूटीन है, कुछ आइडिया नहीं है, पर बस स्टॉप पर जाऊँगा, वहीं से इंक्वायरी करता हूँ कि कितने बजे बस यहाँ से निकलती है और कितने घंटे का ये पूरा ट्रैवल रहता है। हालांकि भाई जो दीमापुर में रुक रहा हूँ, ये नागालैंड का राजधानी नहीं है, नागालैंड का राजधानी कोहिमा है और मैं पिछले 4 दिन से दीमापुर में हूँ और निकल रहा हूँ भाई कोहिमा के लिए। कितना दूर है यहाँ से बस स्टॉप कितना दूर है यहाँ से? बगल में ही है। आप कहाँ से हो? बिहार से। चलो भाई, तो यहाँ से पास में ही है बस स्टॉप, मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की, यहाँ की देखता हूँ यहाँ की कौन सी बस चलती है, लोकल बस गवर्नमेंट की बस, कैसा दिखता है और ट्रैवल कैसा रहता है। कोहिमा के लिए बस मिल गया, मेरा सीट नंबर 90 है, बस नंबर 1262 है, आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। और जो टिकट का प्राइस पड़ा है भाई, वो 150 रुपये लगे हैं पर पर्सन। हालांकि मैं अकेला ही हूँ पर 150 रुपये लगते हैं पर पर्सन टिकट का। और ये बस पुराना है यार, मतलब उस समय का है, जो काफ़ी ओल्ड बस है, देख सकते हो 2 सीटर बस है, मतलब दो लोग आराम से एडजस्ट होकर बैठ सकते हैं, देख सकते हो। और आप चाहो तो कंडक्टर से बात करके आगे भी बैठ सकते हो, पर मुझे पूरा 3 घंटा लगने वाला ट्रैवल में, मैक्सिमम इतना तो जाएगा, तो अपने को सीट मिलना है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आगे धक्का खाते हुए जाऊँ, और थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, तो आराम से मैं यहाँ पर बैठ के सो के भी जा सकता हूँ। देखते हैं भाई दीमापुर टू कोहिमा का सफ़र कैसा रहता है। ये रहा टिकट और इसको मुझे संभाल के रखना होगा, पता नहीं यहाँ का रूल वूल क्या, अगर खो गया तो इतना फाइन मारेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। तो चलो मैं आपको दीमापुर से कोहिमा का सफ़र। तो भाई इस बस का टाइमिंग, जो बस में बैठा हूँ उस बस का टाइमिंग है 1:30 बजे की, तो अभी बज रहे 1:20, शायद 10 मिनट में ये खुल जाए। विंडो काफ़ी अच्छा और सबसे बड़ी बात है मुझे विंडो सीट मिल गई, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। मतलब बाकी शहर से अगर कंपेयर करें तो यहाँ भी गर्मी काफ़ी अच्छा खासा है, दीमापुर में लग ही नहीं रहा है कि हम दीमापुर में, ऐसे लग रहा है कि हम राजस्थान में घूम रहे भाई, पूरा माहौल सन्नाटा है। हाँ मैं भी टूरिस्ट हूँ। तो भाई हमारे सीट के पार्टनर मिले, आपका नाम? इलोनी। बोला नहीं जा रहा मेरे से, कोहिमा के रहने वाले हो? हाँ। इधर क्या करने घूमने आए थे? यहाँ पे आ रहे हैं ना हम, नगर से मणिपुर से आ रहे हैं। अच्छा आप मणिपुर जा रहे हो? मणिपुर से आ रहे हैं। अच्छा मणिपुर से आ रहे हो, मणिपुर में जॉब करते हो? कोहिमा पे। अच्छा मणिपुर घूमने गए थे। सही, कैसा है मणिपुर का अभी कंडीशन? ठीक है, चलो भाई काफ़ी अच्छे, इनके साथ सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे दे देंगे अगर मैं इनसे कुछ पूछूंगा कोहिमा के लिए तो, और देखते हैं ये कितना हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। गर्मी बहुत है उधर, कैसा है टेम्परेचर? उधर भी गर्मी है, यहाँ पे थोड़ा गर्मी हो गई, ऊपर थोड़ा ठंडा रहेगा, कोहिमा भी ठंडा है, ठंडा है ना यहाँ से, बहुत गर्मी है ना। तो गाइस फाइनली हमारी बस निकल चुकी है और हालांकि 1:30 बजे का टाइमिंग था और अभी बज रहा है 1:55, देखता हूँ ये कितने देर में छोड़ती है मुझे कोहिमा। फिलहाल में मैं निकल चुका हूँ दीमापुर से। ये रहा मेरा बस, मैक्सिमम कुछ 70 किलोमीटर है, तो भाई मैक्सिमम कितना, हाँ 40 किलोमीटर चलने के बाद बस अभी 15-10 मिनट का ब्रेक लिया है खाने वाने का, आप तो यहाँ पे रुक के चाय बाकी सब चीज़ें खा पी सकते हो। तो बस ये 5-10 मिनट का ब्रेक है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ से 28 किलोमीटर और है कोहिमा, मुझे बस
35 या 40 मिनट और लगेंगे, फिर मैं कोहिमा पहुंच के मैं वहां का नज़ारा दिखाता हूं कैसा रहता है। फिलहाल में भाई ऐसा है कुछ, और बस हमारी निकलने वाली है बस 5 से 7 मिनट में। छोटे शॉप है, इनके पास खाने से लेकर चाय वाय वगैरह सब मिलती है, पूरी फिश पोकरा पता नहीं क्या है ये, चिकन और टी, मैंने एक चाय बोली है इनको। और ये रहा इनका दुकान, लोग यहाँ पे कंट्रैक्टर खा रहे। और मैं अपने बस का किस्सा बताऊँ तो हमारे साथ क्या सीन हुआ यहाँ पे, अभी ध्यान देना जब भी आप यहाँ दीमापुर से कोहिमा के लिए ट्रैवल करते हो बस से तो। हाँ थैंक यू, ये इनके पास मतलब खाने वाने के लिए स्वीट्स, नमकीन, सारे बादाम वगैरह मिलते हैं, यहाँ की लोकल है, ये लोग खुद बोलते हैं बनाता हूँ मैं, दीदी बनाती। आप ये खुद बनाते हो? हाँ। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है ये, यहाँ का लोकल है ये। हाँ, लोकल। सही है, ये स्वीट है, ये स्वीट है। स्वीट। और ये नमकीन। हाँ। सही है, काफ़ी अच्छा बनाते हो आप लोग। Yeah. काफ़ी अच्छा बनाते हो आप लोग खाने पीने का। हाँ थैंक यू चाय के लिए। Thank you. ये देखो भाई क्या मौसम हो रखा है अभी, काफ़ी अच्छे हो आप लोग, अच्छा लगा मिल के। ऊपर आ गए, क्या बोला आपने? अच्छा सेम सेम टू यू, सेम टू यू, आप लोग भी काफी अच्छे हैं। चल रहे अंकल, चल। इस फाइनली हम पहुंच गए थे कोहिमा बस स्टॉप, हालांकि कोहिमा बस स्टॉप आप देखते हो तो आसपास कुछ नहीं है, तो हमें कोहिमा बस स्टॉप पहुंचने के बाद उसके साथ ही एक बस लगी रहती है जो आपको टाउन लेके जाती है, मैक्सिमम 20 रुपये लेते हैं ये लोग, तो अभी हमने चेंज कर ली अपनी दूसरी बस और मैं लेके आपको चलता हूँ टाउन। तो गाइस ये रहा टाउन बस स्टॉप, जैसे बस यहाँ पर आपको छोड़ देता है, और ये रहा यहाँ का कोहिमा का मार्केट, लोकल मार्केट। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कोहिमा, कोहिमा टाउन में। एक्चुअली क्या हुआ था, जब आप दीमापुर से बस लेते हो तो कोहिमा बस स्टॉप पे है ना, थोड़ा सा नीचे है जहां पे मतलब कुछ नहीं, सिर्फ बस स्टॉप है और उसके बाजू में एक बस लगी होती है जो आपको टाउन तक ला के छोड़ देता है, मैक्सिमम 30 रुपीज़ लेता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और भाई मुझे क्या हुआ था, जैसे मैं दीमापुर से बस ले रहा था दीमापुर से कोहिमा के लिए, तो पता नहीं भाई वहाँ के कंडक्टर थे जो टिकट काट रहे थे, पता नहीं वो पी रखा क्या फूक रखा था, कुछ आइडिया नहीं, मतलब एक सीट के 4-4 बंदे को टिकट काट के दे रहा है। मेरा 29 था, सॉरी मेरा 19 नंबर सीट था, और बाकी दो को और 19 नंबर सीट का टिकट काट के दे देता। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, और 2-3 के साथ भी हुआ, एक 15 नंबर के बंदे थे उसको भी दूसरा टिकट उसने काट के दे दिया था, तो ये चीज़ें पता नहीं क्या फूक के रखा था। हालाँकि सीट बाय सीट ही रखते बंदा, उससे ज़्यादा नहीं भरते, एक दो बंदे एक्स्ट्रा भरे हुए थे पर उन्होंने मुझे सीट दे दिया था। तो भाई मैं फाइनली पहुंच चुका हूं नागालैंड के राजधानी कोहिमा में, और वो जो दीमापुर था वो नॉर्मली बड़ा सिटी था नागालैंड का, वो नागालैंड का राजधानी नहीं है, इनका कोहिमा है, और मैं फाइनली यहां पे पहुंच गया हूं। और रास्ते में भाई जो मौसम बदल रहा था, कभी धूप कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश, मतलब ये पूरा 70 किलोमीटर के ट्रैवल में 4 बार मौसम बदला है, धूप बारिश हुआ है। और अभी मैं सबसे पहले देख रहा हूँ यहाँ पे स्टे का कि मैं कहाँ पे रुकूँ, और उसके बाद मैं बाकी कल आपको झुको वैली और यहाँ के आसपास जितने भी टूरिस्ट पैलेस है जो लोग ज़्यादा करके यहाँ पे घूमते हैं मैं वो आपको दिखाऊँगा। दूसरा भाई शहर में कुछ ऐसा भीड़ है, मतलब
चारों तरफ लोग देखो, और कितना सुंदर भी दिख रहा है शहर। चारों तरफ लोग हैं और रोड पे पार्किंग है और एक साइड से गाड़ी जा रही है, ये वन वे है। तो भाई अभी नीचे धूप से गर्मी से हालत खराब थी, ऊपर अभी थोड़ी सी हवा में ठंड है, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कैंपिंग करने का, पर अभी तक आज तक कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं पिछले 10 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, एक दिन भी कैंपिंग नहीं किया था। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि करूँगा, और सबसे पहले देख लेता हूँ पहले मुझे होटल कितने में यहाँ पे मिल जाता है। अगर अच्छे बजट में होटल मिल जाता है तो फिर मैं कैंपिंग अभी नहीं, जब जूको वैली के लिए निकलूँगा तो उधर एक रात रुकूँगा तो करूँगा। और अभी यहाँ पे भाई मार्केट काफ़ी अच्छा है, मतलब सेम मार्केट जैसे दीमापुर में लगा हुआ था क्या, बाकी सब चीज़ों का वही मार्केट यहाँ पे भी है। तो मैं ये मार्केट आपको कोशिश करूँगा कि मैं घुमाऊँगा, पर जब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा यहाँ से बस पकड़ के दीमापुर के लिए निकलूँगा तो मुझे वापस से यहीं पे आना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा ये मार्केट। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जुगो वैली कुछ प्लान नहीं है कि मैं कहाँ निकलूँगा, पर नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला काफ़ी अच्छा रहेगा।